गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे खपरा बीटल, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नेक्स्ट है, वो है बेल फ्रूट फ्लाई एंड पॉमीग्रेनेट बटरफ्लाई। ये जो दो इंसेक्ट हैं ये अपने चैप्टर के लास्ट इंसेक्ट हैं और ये दोनों इंसेक्ट बेसिकली फ्रूट्स के ऊपर अपना इफेक्ट जनरेट करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेल फ्रूट फ्लाई। तो प्रोसेस वही सेम रिपीट है अपना, सबसे पहले साइंटिफिक नेम, फिर उसके क्लासिफिकेशन, फिर उसका सिम्टम्स हैं, फिर उसके लॉस और इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम। जो बेल फ्रूट फ्लाई है तो इसका साइंटिफिक नेम है वो है कार्पोमिया वेसुवियना। कार्पोमिया इसका जीनस है और वेसुवियना इसकी स्पीसीज है। तो कार्पोमिया वेसुवियना इसका साइंटिफिक नेम है। फिर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करते हैं फाइलम। तो फाइलम है इसका ऑर्थोपोडा। क्लास की बात करते हैं तो क्लास है इंसेक्ट का। फिर बात करते हैं ऑर्डर है डिप्टेरा, ऑर्डर है डिप्टेरा। फिर फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली है इसकी एग्रेटिडी, जो इसकी डिफरेंट फैमिली है। फिर जीनस और स्पीसीज, जीनस हो गया कार्पोमिया और स्पीसीज हो गई वेसुवियना, इसकी स्पीसीज है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इसका, जो हम रेगुलर इंसेक्ट में स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं इसका इफेक्टिव रीजन का है, कौन कौन से कंट्रीज में ये अपना इफेक्ट शो ऑफ करती है। तो जहाँ जहाँ बेल की क्रॉपिंग होती है, जहाँ जहाँ बेल की फार्मिंग होती है, वहाँ पर अपना इफेक्ट जनरेट करती है। मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, टर्की और चाइना, ये वो कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड है। फिर डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, आप देखिए। डायग्राम में आपको एडल्ट और मेगट, जो इसके लार्वा फेज है, वो दोनों शो कर रहा हूँ, आप दोनों को देखिए। तो आपने दोनों चीज़ें देख ली, अब शुरू करते हैं इसका सिम्टम्स। तो सिम्टम्स है इसका, जो इसका कलर होता है वो होता है ब्राउन येलो कलर होता है, एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो एडल्ट है इंसेक्ट है उसका कलर होता है ब्राउन येलो और जो मेगट है वो होता है डस्टी वाइट कलर की होती है। फिर जो एडल्ट इंसेक्ट है, एडल्ट इसका जो इंसेक्ट है उसकी थोरेसिक पार्ट के ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, जो इसका आइडेंटिफाई मार्क है। फिर इसका जो पूरी विंग्स के ऊपर, जो एडल्ट विंग्स हैं, एडल्ट इंसेक्ट के विंग्स हैं, उनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स शो ऑफ होते हैं, तो ये इसके आइडेंटिफाई मार्क है। फिर बात करते हैं इसके मेगट की। तो मेगट होता है वो डस्टी व्हाइट कलर का होता है और वो सराउंडेड एक थिन लेयर, स्किन लेयर होती है, उसमें क्या होता है वो कवर्ड होता है। तो ये हो गया इसका सिम्टम्स। फिर करते हैं डिस्कस इसके डैमेज और इम्पोर्टेंस की। तो ये जो इंसेक्ट होता है ये बेल की क्रॉप को 30% से लेकर 100% तक डिस्ट्रॉय करता है। सबसे जो हार्मफुल कंडीशन है
वो ये है कि ये 100% तक इसकी क्रॉप को इफेक्टेड करता है। अब जो इसकी रिसेंट क्रॉप्स आ गई उस पर इसका इफेक्ट नहीं होता, बट पहले बहुत ज्यादा इसका लॉस था। फिर कर रहे हैं डिस्कस, जो ये जो इंसेक्ट होता है ये मोनोफेकस नेचर का है। मोनोफेकस मीन्स ये ओनली फॉर जो बेर की क्रॉप्स है, लाइक जिंजीफस, जुजुबा, जिंजीफस, मोरिसेना, ये जो इसकी स्पीसीज है इनको ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी तक अपने जितने भी इंसेक्ट पड़े हैं वो सारे के सारे पॉलीफेकस थे, बट ये इंसेक्ट ऐसा है जो मोनोफेकस है और ओनली फॉर बेर की स्पीसीज को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। ठीक है, फिर इसका जो लार्वा जो होता है, इसका जो मेगट है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। मीन्स फिर जो इन्फेक्शन जो जनरेट होता है वो इसके मेगट से होता है, तो मेगट ही इसका वो पार्ट है जो हार्मफुल कंडीशन जनरेट करता है। Affected food are not edible and mostly जो fruits होते हैं इसके effects से वो बहुत fastly क्या होता है, fall down हो जाते हैं, मतलब जल्दी से पक कर गिर जाते हैं। फिर इसका जो फिर discuss करते हैं इसके life cycle में, तो life cycle start करने से पहले मैं आपको diagram दिखा रहा हूँ, देखिए life cycle में। तो आपने डायग्राम देखा, अब डिस्कस करते हैं इसके लाइफ साइकिल का। तो जो ये इंसेक्ट होता है ये विंटर में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है और अदर सीजन के अंदर ये डीएक्टिवेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करता है। इसकी जो एडल्ट फ्लाई होती है वो फ्रूट्स और फ्लावर्स के पार्ट के ऊपर करती है, एग लेव करती है। एग कहाँ रिलीव किए, डायग्राम में देखिए, जैसे ये बेर का फ्रूट है, इस फ्रूट की जो वॉल है इस वॉल के ऊपर पिंच करके 1 mm डेप्थ में क्या करती है, ये एग लीव कर देती है। अब इसके इफेक्ट से क्या होगा, फ्रूट कैसा हो गया, फ्रूट में एक इसकी स्ट्रक्चरली क्या हो गया, डैमेज हो गया। और ऐसे फ्रूट क्या होते हैं, अनयूजेबल होते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके इफेक्ट से क्या होता है, फ्रूट डैमेज होता है। ठीक है, अब देखो एग इसने फ्रूट के लेयर पर क्या रिलीव कर दिया, एग से विदिन 2-3 डेज में, 2-3 डेज में इसके मेगट, इसका मेगट क्या करता है, एक्सक्रीट होता है। और एक्सक्रीट होने के बाद में मेगट क्या करता है, इस फ्रूट को, जैसे ये इसका सीड है, ये है पल्प, तो ये मेगट ये पल्प को क्या करता है, सीड के सराउंडिंग जितना पल्प है उसको क्या करता है, एज ए फूड मेगट यूज करता है। और उसके इफेक्शन से क्या होता है कि जो सीड का पार्ट है वो पूरा पूरा इफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो गया, और ऐसे केस के अंदर फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो मेगट होता है ये मेगट अपनी स्किन को ब्रेक करके स्किन से रिलीव होता है, और रिलीव होकर क्या करता है, वो सोयल में एंट्री करता है, और सोयल में एंट्री करके क्या करेगा, ये कोकून में कन्वर्ट होता है। तो देखिए कितने 7-10 डेज के अंदर मेगट कन्वर्ट हो गया कोकून में, और कोकून से फिर क्या होता है एडल्ट फेज में, कब, जब इसके एडेप्टेटिव कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर 14-30 डेज में, 14-30 डेज के अंदर ये कंप्लीटली कोकून एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और फिर एडल्ट वापस पॉपुलेशन के बाद में क्या करेगा, जो इसका फ्रूट है उस फ्रूट के ऊपर
जो उसके फ्लावर्स हैं, जो उसके फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर एग्रीगेट करती है और लाइफ साइकिल वापस लर्निंग फेज में स्टार्ट होती है। जो मेगेट होते हैं एक फ्रूट के अंदर, सिंगल फ्रूट के अंदर 18 नंबर्स तक क्या करते हैं, एक फ्रूट में मेगेट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल पर क्या करता है, ये इंफेक्शन जनरेट करता है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। देखो वापस एडल्ट ने क्या किया, ये विंटर के अंदर एक्टिवेट होता है, तो विंटर में क्या करता है, ये एडल्ट फ्लावर्स और स्मॉल फ्रूट्स के ऊपर क्या करता है, एग रिलीव करता है। एग कैसे रिलीव करता है, उसमें होल करता है और 1 mm डेप्थ में अंदर फ्रूट के अंदर एग रिलीव करते हैं। एग से 2-3 डेज में क्या निकलते हैं मेगट। ये मेगट क्या करते हैं, उसका सीड होता है जो फ्रूट का, उसके सराउंडिंग में जो पल्प है उसको एज ए फूड यूज करता है, और एज ए फूड यूज करने पर वो फ्रूट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद में राउंड ऑफ 7-10 डेज में वो मेगट वहाँ से स्किन को ब्रेक करता है, सेल्फ स्किन को ब्रेक करके वो मेगट कहाँ जाता है, सोयल में, फ्रूट के थ्रू आउट निकल गया सोयल में, और सोयल में जाकर क्या करता है, वो कोकून में कन्वर्ट होता है, और कोकून फिर विदिन 14-30 डेज में एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर वापस लाइफ साइकिल स्टार्ट। तो ये इसका लाइफ साइकिल था। अगर एडेप्टेटिव कंडीशन होती है, एडेप्टेटिव कंडीशन होती है विदिन 24 डेज, 24 डेज में ये अपनी होल जनरेशन को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया। तो ऐसे केस में 1 ईयर के अंदर ये 2 से 3 जनरेशन जनरेट करता है। तो ये इसका एक हाई इन्फेक्टेड कंडीशन का एक रीजन ये भी है कि इसका जो लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन है वो स्मॉल है, क्लियर है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। अब डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसमें 2 टाइप का है, 1 जो है कॉमन मैनेजमेंट और 2 है केमिकल मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट को अपन बोलते हैं उसको क्रॉप मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट में। तो देखो ये जो प्लांट है इस प्लांट के सराउंडिंग में जो भी इसकी क्रॉपिंग करते हैं जब, तो इस क्रॉपिंग के में क्या करना है, प्लांट के सराउंडिंग क्या करनी है, डीप ड्रिलिंग करनी है। डीप ड्रिलिंग करनी है तो कैसा हो जाएगा देखना जी। तो क्या करना है, ये प्लांट है तो प्लांट के सराउंडिंग में आपको क्या करनी है, डीप ड्रिलिंग करनी है। ये प्रोसेस कब होनी चाहिए, मई जून और दिसंबर एंड जनवरी। मई जून में और दिसंबर जनवरी में डीप ड्रिलिंग करनी है, क्योंकि इसी टाइम पर इसका जो मेगट है वो डेवलप होता है, या मेगट कोकून फेज में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे केस के अंदर जैसे डीप ड्रिलिंग हो गया तो वो कहाँ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, और सरफेस पर आने पर पैरासाइट बर्ड्स के थ्रू आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इजीली इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोसीजर है वो, अगर किसी प्लांट के ऊपर इफेक्टिव फ्रूट्स जनरेट है तो उन फ्रूट्स का करना है ब्रेक करना है, और एनिमल्स को एज ए फूड उनको क्या यूज कर लेना है, या फिर उसको सोयल के अंदर डेप्थ के अंदर उसका करना है प्रेसिंग करनी है। तो ऐसे केस में इन्फेक्शन जनरेट नहीं होगा। तो ये था इसका कॉमन मैनेजमेंट। अब करते हैं इसका केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेजमेंट में जो अक्टूबर नवंबर में जब प्लांट के ऊपर पी साइज के प्लांट फ्रूट्स जनरेट होते हैं, पी साइज के फ्रूट जनरेट होते हैं, उस टाइम पर डिमेटोन 1 लीटर वाटर में सॉल्यूशन तैयार करके उसका प्रिपेयर करके उसका इसके ऊपर स्प्रे करना है, और ये स्प्रे उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पर दिसंबर मंथ में करना है। तो ऐसा होने पर उसकी जो रिप्रोडक्शन है, उसके एग रिलीविंग स्टेज है, जो एग्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फ्रूट कैसा हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आउट इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पोमेग्रेनेट बटरफ्लाई। प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले साइंटिफिक नेम, क्लासिफिकेशन,
फिर उसका सिम्टम्स, फिर उसके इम्पोर्टेंस एंड लॉस, और फिर लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम। तो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो है विराकोला आइसोक्रेटस। विराकोला आइसोक्रेटस इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें विराकोला इसका जीनस है और आइसोक्रेटस क्या है इसकी स्पीसीज है। फिर करते हैं इसके फाइलम, इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है फाइलम। फाइलम कॉमन है, आर्थ्रोपोडा। क्लास है इंसेक्टा। इसका ऑर्डर है वो है लेपिडॉप्टेरा। ये डिफरेंस है लेपिडॉप्टेरा। और इसका जो फैमिली है वो है लाइकेनिडी। तो ये इसकी ऑर्डर और फैमिली ये डिफरेंट है अदर्स। फिर करते हैं इसका जीनस और स्पीसीज। जीनस हो गया विराकोला, स्पीसीज हो गई आइसोक्रेटस। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन जो आपने देख लिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, उसके बाद में इसका आ गया लेपिडॉप्टेरा, लाइकेनिडी और विराकोला आइसोक्रेटस इसका स्पीसीज। फिर करता है इफेक्टिव रीजन। तो ये इंडिया और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा ये इफेक्ट जनरेट करता है। ऑल ओवर जितने भी नेबर्स हैं, कंट्रीज हैं, उन सब में पोमेग्रेनेट की जो फार्मिंग है, उसके अलावा वहाँ पर साइट्रस फ्रूट है, ये फार्मिंग रेगुलर हो रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर ये सबसे ज्यादा इनको इफेक्टिव करता है। फिर डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स से पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूँ, आप देखिए। मेल का डायग्राम सेपरेट दिखा रहा हूँ, फीमेल का सेपरेट। तो डायग्राम देखा आपने, जो इसमें मेल है वो होता है ब्राइट ब्लू कलर का, आपने नोटिस किया होगा। मेल है वो ब्राइट ब्लू कलर का, फीमेल होती है वो ब्राउन कलर की होती है। इसके विंग्स के साथ में इसकी जो लेंथ है एडल्ट है इंसेक्ट की, वो होती है 40 से 50 mm, राउंड ऑफ 4 to 5 cm। और इसका जो वेल डेवलप्ड लार्वा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। और उस डार्क ब्राउन कलर की जो लेंथ होती है वो होती है 17 mm से 20 mm लेंथ तक उसका लार्वा प्रेजेंट होता है। इस लार्वा की होल ओवर बॉडी यानी सराउंडेड बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी हेयर से कवर्ड होती है और उसके ऊपर व्हाइट कलर के पेचेस प्रेजेंट होते हैं। ये इसके लार्वा की स्पेशलिटी होती है। तो ये था बेसिक इसका सिम्टम्स। फिर डिस्कस करते हैं इसका इम्पोर्टेंस और लॉस पर। तो ये इंसेक्ट राउंड ऑफ 40% से लेकर 90% तक क्रॉप्स को इफेक्टेड करता है। 40% से लेकर 90% तक इफेक्टेड करता है। और ये पॉलीफेगस नेचर का है। पॉलीफेगस नेचर मीन्स ये पोमेग्रेनेट के साथ साथ में एप्पल, बेर और साइट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इनको भी यह करता है, इफेक्ट करता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का शो ऑफ करता है। फिर करते हैं डिस्कस, जो इफेक्शन जनरेट होता है इसका वो होता है इसके लार्वा से। और एक फ्रूट के अंदर 8 लार्वा तक प्रेजेंट होते हैं। इसके एक फ्रूट के अंदर 8 लार्वा तक प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट के ऊपर जैसे ही इसका लार्वा जनरेट होता है तो वो लार्वा फ्रूट की पल्प जो होता है उस पल्प को यह करता है एज ए फूड यूज करता है। और साथ में यह करता है उसमें इन्फेक्शन जनरेट करता है। और उस इन्फेक्शन के कारण उसमें बैड स्मेल जनरेट होती है और ये बैड स्मेल बैक्टीरिया और फंगस को अट्रैक्ट करती है। तो इसके साथ साथ वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस का भी इन्फेक्शन हायर लेवल पर जनरेट होता है। तो ये इसका बहुत सबसे बड़ा जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो यही है कि ये सेल्फ के साथ साथ बैक्टीरियल और अदर फंगस का भी क्या करता है, इन्फेक्शन जनरेट करवा देता है। फिर करते हैं डिस्कस इसकी लाइफ साइकिल में। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए।
डायग्राम देखा आपने, लाइफ साइकिल में फोर स्टेज है। एडल्ट एडल्ट से एग रिलीव होते हैं, एग कन्वर्ट होते हैं किसमें, लार्वा में, और फिर लार्वा कन्वर्ट होता है वापस कोकून में, और कोकून से वापस एडल्ट फेज जनरेट होती है। तो जो ये इंसेक्ट होता है ये होल लाइफ क्या करता है, तो ये जो इंसेक्ट है ये होल ईयर क्या करता है, फ्रूट्स और फ्लावर्स के करेक्ट पार्ट के ऊपर रेगुलर एग सेक्रेट करता है। और एडल्ट जो इसकी बटरफ्लाई है वो शाइनेबल वाइट और ओवल शेप के एग रिलीव करती है। ये एग वन बाय वन कैलेक्स पर रिलीव होते हैं, और उनसे रेगुलरली विद इन 7 to 10 days में उन एग्स से लार्वा एक्सट्रेक्ट होता है, और वो लार्वा क्या करता है वहाँ से फ्रूट्स के लेयर को ब्रेक करके वो एंट्री करता है, और उसके बाद में उसके पल्प को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करता है। विद इन 15 से 50 days में, बिटवीन 15 से 50 डेज में ये जो लार्वा है ये पूरे फूड को क्या करता है, रेगुलर एज ए फूड यूज करता है, और उसके बाद में ये कोकून में कन्वर्ट होता है। कोकून के अंदर कन्वर्टेशन के लिए ये फ्रूट की लेयर के इनसाइड में ये कोकून में कन्वर्ट होता है, और मोस्टली सम टाइम इसका जो स्टिप है, इसका जो नोज पार्ट है, उस नोज पार्ट के ऊपर भी ये कोकून में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में 7 to 34 days इसका कोकून पीरियड होता है, और उसके बाद में उसको ब्रेक करके एडल्ट मॉथ क्या करता है, एक्सक्रीट होता है, और एडल्ट मॉथ अगेन वापस प्लांट्स को करता है, एफेक्टेड करता रहता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल था। डायग्राम देखिए, वापस देखो, रिपीट कर रहा हूँ लाइफ साइकिल। एडल्ट ने एग रिलीव किए फ्रूट्स फ्लावर और कैलिक्स पार्ट पर, वहां से राउंड ऑफ 7 to 10 days में क्या निकलता है, लार्वा। लार्वा रेगुलर फूड को क्या करता है, एज ए फूड यूज करता है, और विद इन 15 से 50 days में लार्वा 15 से 50 डेज में रेगुलर फूड को एज ए फूड यूज करके कोकून में कन्वर्ट होता है। और कोकून में कन्वर्ट होता है तो कोकून कहाँ प्रोड्यूस करता है, ये फ्रूट के, जैसे ये फ्रूट है तो इस फ्रूट की लेयर में ये कोकून में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज इसका जो ये बार पार्ट है, इसका जो स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ में अटैच होकर क्या करता है, ये कोकून में कन्वर्ट होता है, और कोकून 7 to 34 days में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, पर एनम 4 लाइफ साइकिल करता है, ये कंप्लीट कर लेता है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल। अब करते हैं डिस्कस इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट प्रोसेस 2 टाइप का है। फर्स्ट इज कॉमन, सेकेंड इज केमिकल। कॉमन मैनेजमेंट प्रोसेस में जो फ्रूट के मैच्योर होने से पहले उसको क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। आपने देखा होगा जो पॉमेग्रेनेट के फ्रूट्स होते हैं उनको पॉलीबैग से या किसी क्लोथ से उसको क्या कवर करने की प्रोसेस होती है, तो उसके इफेक्ट से क्या होता है, उसका इफेक्ट जनरेट नहीं होता। ये फ्रूट फ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई, ये इसके ऊपर डैमेज या इन्फेक्शन जनरेट नहीं करती। सेकंड, इफेक्टेड जितने भी फ्रूट्स हैं उनको ब्रेक करके एनिमल्स को या फिर डीप सोइल में प्रेस कर देना चाहिए, या तो एनिमल को फ्रूट में इफेक्टेड जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको ब्रेक करके एनिमल्स को एज ए फूड, अदरवाइज उसको सोयल में डीप प्रेसिंग कर देना चाहिए, तो ऐसे केस में इन्फेक्शन जनरेट नहीं होता। तो ये है बेसिक उसका कॉमन मैनेजमेंट। फिर करते हैं डिस्कस केमिकल मैनेजमेंट पर। तो केमिकल मैनेजमेंट के लिए ट्यूनोलफॉस या फिर डाई मिथॉइड, ट्यूनोलफॉस या डाई मिथॉइड को 1 liter वाटर में सॉल्यूशन प्रॉपर प्रिपेयर करके उस सॉल्यूशन को इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से उसके एग और लार्वा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे केस में इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
ये था इसका केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के साथ ही ये इंसेक्ट कंप्लीट होता है, जहां हमने इंसेक्ट में सबसे पहले उसके साइंटिफिक नेम, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसके सिम्टम्स, फिर उसका डायग्राम, फिर हमने उसके इम्पोर्टेंस और लॉस, लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट पर डिस्कस किया है। यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ।